आप देखेंगे कि ये जो दो बात की हमने, जिसमें डिसीजन की बात की कि दो चीजें हैं, स्टेट और ब्लूप्रिंट है, तो उसमें जो है चॉइसेस आते हैं आपको, तीन तरह के आपको चॉइसेस आते हैं। जब आप पेन में होते हैं, पेन प्रोवाइड यू थ्री चॉइसेस। एक एस्पेक्ट पर मैं बात करूंगा अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप पेन में रहते हैं, आपके पास तीन चॉइस रहती है। एक चॉइस क्या रहता है? ब्लेम करना, यानी कि वो वक्त खराब था, वो इवेंट खराब था, वो लोग उन लोगों की तरफ से हुआ, अदर्स की वजह से हुआ, या फाइनली आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। ये चॉइस है, यानी कि लोगों को ब्लेम गेम में रहेंगे आप, इवेंट को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, इसमें रहेंगे। दूसरा चॉइस आपके पास है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, आप अपनी लाइफ की कंडीशन को चेंज करें, यानी कि अभी मेरे पास जो है ना, वो तमाम जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो कंडीशंस मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइफ की कंडीशन में जो है ना, आप हमेशा सुबह उठते हैं तो बहुत देर से उठते हैं, आप लाइफ कंडीशन को चेंज कीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ वार्म अप कीजिए, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ फिजिकल कंडीशन आपकी चेंज हो जाए। इसी तरह इमोशनल कंडीशन को आप चेंज करें, हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहिए, हमेशा खुश व खुर्रम रहिए, उसके डिफरेंट टेक्निक्स को सीखिए, ये लाइफ की कंडीशन को चेंज करेंगे, तो आपको इसके जरिए से भी आपकी लाइफ में बड़ा फायदा होगा। फिर चेंज योर ब्लूप्रिंट, वो कैसे करना है उस पर हम बात कर सकते हैं, या मैं जस्ट एक छोटी सी दो तीन बातें रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। तो ये जो तीन चीजें हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, हम जो अपने आप से बात करते हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, इसको चेंज करेंगे तो आप ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अनहैप्पी हूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूं, मैं तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं, इस तरह की मुख्तलिफ बात लोग अपने आप को करते हैं। लेकिन जब आप दूसरों से बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, आई एम इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस पर्सन, इस तरह से आप कह रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना पावर दूसरे के हाथ में दे रहे हैं कि आप मुझे जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह जैसे इस्तेमाल करना चाहिए आप इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं ही, मेरी वजह से ये सब चीज़ें होता है, मेरे अंदर वो तमाम कोशिशें नहीं है, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। ये जो फर्स्ट चॉइस है, ये हमेशा आपको तबाह बर्बाद करेगी। जो आदमी ब्लेम गेम में रहता है, वो कभी अपनी लाइफ को ऊपर नहीं कर सकता है, अपने आप को कामयाबी की तरफ नहीं ले आ सकता है। तो कभी भी इस ब्लेम गेम के फर्स्ट चॉइस में अपने आप को ना रखें, खुदारा ना रखें। तो ब्लेम इज अ चॉइस दैट डज नॉट गिव यू एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, तो कुछ भी आपको नहीं दे सकती ब्लेम गेम। तो इसलिए अपने आप को इस ब्लेम गेम से हमेशा के लिए निकालिए। फिर दूसरा यह है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, तो हमेशा प्रोग्रेस की सिमत रहें, न्यू एक्शंस लें, न्यू करेज लें, लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का आप अंदर रहें, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की तरफ जाएं, हैप्पी रहें और अपने आप को एम्पावर करें, तो आप ये होगा कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त आपकी लाइफ में होगा, यानी कि फिजिकल कंडीशंस को आप चेंज करें। फिर ये कि आपके ब्लूप्रिंट को चेंज करें, जो आपके अंदर जो कुछ हो रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड पर आप भरोसा ना करें, इनसाइड के अंदर तब्दीली करें। इनसाइड के अंदर तब्दीली करेंगे, अपने आप को कॉन्फिगर करेंगे, अपने बिहेवियर को कॉन्फिगर करेंगे, अपने माइंड को कॉन्फिगर करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि NLP की प्रोग्रामिंग है, तो आपके अंदर बहुत कुछ तब्दीली आएगी और आप कामयाबी की तरफ पहुँच सकते हैं। मेक ए न्यू चॉइसेस, ये एक छोटा सा असाइनमेंट था, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये दो बातें मैं आज आपको बताना चाह रहा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि NLP के 5 डेज के कोर्स से पहले पहले मेरे जितने भी शुरुआत हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें और ये अपनी लाइफ में कर सकें। इसको स्नैपशॉट लीजिए, इस एक्सरसाइज को कीजिए, राइट व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ वुड बी लाइक यू फॉर टुडे। आज कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप जीना चाहते हैं, व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक If you was exactly, यानी कि exactly जो चाहते हैं वो करना चाहें, तो कैसी रह सकती है आपकी लाइफ। लिखिए बैठ करके, स्टार्ट विथ अल्टीमेट आई एंड इन द माइंड, मतलब कि एंड गोल सामने रख करके डिसाइड कीजिए, आपकी लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। तो एंड इन माइंड NLP का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट करें अपने गोल को, एंड इन माइंड कहाँ पर जाके आपके खत्म होंगे। लाइफ ऑन योर ओन टर्न, अपने ओन टर्न पे जीना शुरू कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कैसे हो सकती है, आप इस पर काम कीजिए, आपकी लाइफ में न्यू चॉइसेस आएंगे, ब्लेम गेम से आप बाहर निकलेंगे, एक नई जिंदगी आप गुजारने वाले बनेंगे, एक नए अंदाज से इस पैंडेमिक को, न्यू ईरा को देखेंगे, एक नए एम्पावरिंग बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस अंदाज से आगे बढ़ें, हमारा NLP का ये 5 डेज का कोर्स आपके अंदर वो एम्पावरिंग चीज़ें पैदा करेगा और वो आपके अंदर फ़ायदा मंद देगा।